नहीं कोई नहीं है। ये जब 21 से खाते हैं एक साथ ही क्लास दो है यानी छठी का एक साथ ही है दोनों 21 है एक पे सेवन लिखा हुआ ना ये सेवन क्लास है ये खोल लिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। ये अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। जी स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल फौला और भी बहुत से बच्चों ने होमवर्क नहीं भेजा है एक्सेप्ट किरण एंड आयशा। फौला यू डिड नॉट सेंड द होमवर्क। मिस मैंने आपको मिस मैंने मैम मैंने किया हुआ मैं भूल गई थी कल ऐसे तो बस ठीक है आपके मिस मैंने आपको डायग्राम जी आई चेक ऑल द डायग्राम्स किरण एंड आयशा सलीम बोथ वर्क्स हैज बीन सबमिटेड बट होला का नहीं आया हिजाब एंड समन आई डोंट नो वेयर आर दीज गर्ल्स इन दीज डेज। यस होला व्हाट हैपेंड। मैंने किया हुआ मैंने सारा काम कर लिया था मैं आपको सेंड कर दूंगी बस मैं सेंड करना भूल गई थी। समन वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाई डिड नॉट यू सबमिट योर वर्क। मैम एक हैव यू डन द ऑब्जेक्टिव्स। हैव यू डन द ऑब्जेक्टिव्स समन। मैम लास्ट पेज जी मैंने लिया था ऑब्जेक्टिव्स कर रहे थे ना मैम आपको सेंड तो कर दिया था मैंने सबसे पहले मैम आपको सबसे पहले सेंड कर दिया था मैंने। अच्छा मैं चेक वर्कबुक भी टेक्सटबुक ओके ओके मैं चेक करती हूं मैंने आपको टेक्सटबुक नहीं की थी ओके ओके लेट्स बुक नहीं की थी इसमें आज कर दूंगी। ओके लेट्स स्टार्ट टू रेस लाइक चैप्टर दैट इज द न्यू चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर स्टूडेंट्स प्लांट्स एंड देयर सिस्टम्स। Miss, can I read? Okay, first of all, you just tell me about what you have learned. Now you are in grade 7, but in your previous classes, grade 5 and 6, what you have learned about plants? How you take the plants as an organism? Are they living or not living? Ma'am, living and Miss, they are living. Produce photosynthesis. Produce glucose for their food. They make, they prepare their food by yes. their own self. Okay. Yes, Hola. What from a sun. Cross pollination भी होती है. Photosynthesis भी होती है. So they are living organisms. Yes. Okay, Hola. Any other information you have regarding plants? Miss Kennedy, Ola is there? She is not answering. Yes, Miss. Yes, ma'am. मैं वो पानी पीने गई थी. बहुत प्यास लग रही थी. बेटा, period to period you have 10 minutes gap ना? तो you do your small task in that gap, not in the class. Okay? मैम मैंने तभी पानी पिया था कुछ ज़्यादा ही प्यास लग रही थी. Okay, who want to read today? Plants. Ma'am, can I read? Ma'am, can I read? Yes, can I read? Ma'am, तो जाते हैं मैंने बोले मिस मैंने बोला था मिस. Okay. Yes, this miss मैंने पहले बोला. Okay, Kiran, first paragraph you read just for first paragraph. Plants are. Okay, miss. Plants are living organisms
But not all plants look the same as each other. A tree is very different from a prime rose and a piece of pound weak look prime rose and a piece of pound wheat looks nothing like a rose bush. However, they all have a similar structure. Yes. In the first paragraph, Paula, what information is given regarding plants in the first paragraph? Ma'am, they're telling that plants are living organisms, and they also tell us that all plants don't look same. The trees are very different from roses are different, and every plant is different, and they all have similar structure. All the plants have basic structure similar, rather they look different from one another. जैसे कि आप देख सकते हो कि different ornamental plants जो होते हैं, ornamental plants means which have beautiful flowers on them. तो वो बिल्कुल different होते हैं as compared to the trees. इसी तरह से grasses are totally different. जैसे कि weeds होती हैं, pond weeds. ये जो बाहर आप छोटे छोटे नदे नाले होते हैं, तालाब होते हैं, उनमें जो वीड्स होती है ना, जड़ी बूटियां सी उसके अंदर उग जाते हैं, बिल्कुल दे आर लुक्ड वेरी डिफरेंट, बट रिगार्डलेस ऑफ दिस डिफरेंस दे हैव सम कॉमन फीचर्स इन देम. ठीक है, अब उसको हम रीड करते हैं. हिजाब एंड आयशा बेटा, यू एंटर क्लास 5 मिनट्स लेट. बाय हिजाब, यू आर लेट. मैम क्लास में लेट करती हैं ये दोनों ज्वाइन. चले हिजाब, यू रीड दिस लाइंस, रूट्स, द पॉइंट रूट्स. मैम मुझे पढ़ना था. इसके बाद फॉलो, आई विल गिव यू द टर्न. यस हिजाब, यस हिजाब, हरी अप. Hijab, are you there? Plants are, yes ma'am. Roots se start kare, roots se. First paragraph we have read. Okay, roots hold a plant in place in the ground and also taking the water that is needed by the plant. It's very simple. The stem is the plant that supports above the ground. It holds the leaves so they can get light for photosynthesis and the flower to attract insects. Okay, stop hijab. Okay, are there hijab, it has stopped. Two points are there, roots. First one is root. What is the function of the root? They just hold the plant in the ground. Roots jo hai wo niche, aapko pata hai, niche tak zameen mein penetrate kar jati hain, isliye ye plant ko hold kar leti hain. Tez hawa bhi chale, barish bhi ho, to tab bhi plant jo hai wo soil mein khade rehte hain. एक तो ये फंक्शन है. सेकंड फंक्शन, दे एब्जॉर्ब वाटर फॉर द प्लांट. ठीक हो गया. एंड व्हाट अबाउट स्टेम? स्टेम जो है, जैसे कि आप देख सकते हो, स्टेम इज अ अपराइट स्ट्रक्चर. अपराइट मींस बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है इसका ये वाला स्टेम, और उसकी वजह से प्लांट भी बिल्कुल सीधा हवा में खड़ा रहता है. टू गेट मैक्सिमम लाइट, सनलाइट फ्रॉम द सन फॉर इट्स फोटोसिंथेसिस. सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा ना, और फूड बनाएगा. प्लस जो स्टेम्स हैं ये अट्रैक्ट भी करते हैं, इसके जो फ्लावर्स होते हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे लुक ब्यूटीफुल, और जो डिफरेंट इंसेक्ट्स को ये अट्रैक्ट करते हैं. अगर प्लांट ऐसे मुरझाया हुआ हो और नीचे गिरा पड़ा हो तो इसको कोई भी इंसेक्ट जो है ना वो देखेगा नहीं, मतलब वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा. सो स्टेम्स मेक देम प्रोमिनेंट. जी फॉलो, रीड द नेक्स्ट लाइन्स. लीव्स, leaves are where a plant makes its food during photosynthesis. Leaves come in all shapes and sizes. Flowers contain the reproductive organs of a plant. There are many type of flowers, but most of them have brightly colored petals and are sweet smelling. Buds are where growth starts. Growth takes place at the tip of roots and shoots. Yes. Ab isme baki ke jo parts hain wo kya hain? Leaves ki badi important feature hai ki they are the food factory of the plant. लीव्स के बारे में क्या सेंट मशहूर है बात, दे आर द फूड फैक्ट्री. फैक्ट्री में बनता है ना सामान, तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो लीव्स वाला एरिया है, लीव्स आर
the area where food is prepared. So they are known as food factory. इसके अलावा leaves की कह रहे हैं different shapes होती हैं. यहाँ देखो इस plant की कितनी different shapes हैं leaves की. इस plant की leaves की shape different है. अच्छा जी, इसी तरह से flowers पे आ जाए. Flowers have male and female organs in them. So they are reproductive organ. अगर एक प्लांट ने अपनी अपने जैसा नेक्स्ट प्लांट अगर ग्रो करना है तो फ्लावर्स के अंदर वो वाले तमाम पार्ट्स होते हैं मेल एंड फीमेल विच हेल्प फॉर द ग्रोथ ऑफ नेक्स्ट प्लांट. सो दिस इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. या आपने आई थिंक अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि इट हैज स्टेमन्स एंड ओवरीज इन द फ्लावर्स. वो फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. या पढ़ा हुआ किसी स्टूडेंट ने पहले कि नहीं पढ़ा हुआ? फ्लावर और इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, बड़ी खूबसूरत इसकी स्मेल होती है. इसके अलावा एक और पार्ट भी है प्लांट का. ये तो आपने सारा देख लिया, रूट्स होते हैं, स्टेम होती है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं. देयर इज एन अदर पार्ट. जब फ्लावर आप स्टूडेंट्स अक्सर प्लांट्स लगे हुए होते हैं घरों के बाहर या गार्डन्स में, आप जाके देखो फ्लावर जब बनने लगता है तो उसके फ्लावर खिलने से पहले एक छोटी सी बड बनी हुई होती है, वहाँ छोटी सी कोम्पल निकली हुई होती है. तो दैट स्वोलन पार्ट, फूला हुआ हिस्सा होता है, दैट इज नोन एज अ बड. सो बड आर वेयर ग्रोथ स्टार्ट्स. ये वो पॉइंट होता है जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है. ये तो फ्लावर की बात कर रही हूँ. अगर आप स्टेम पर आ जाओ तो जहां जहां से आप नोटिस करो, जहां जहां से लीफ ने निकलना होता है ना, लीफ की ब्रांच ने और आगे लीफ ने, वहां पर ये जो एरिया कहलाता है ये दिस इज कॉल्ड अ बड. क्योंकि बड के अंदर तेजी से ग्रो करने वाले सेल्स मौजूद होते हैं. ठीक है, तो बड इज अ एरिया वेयर ग्रोथ स्टार्ट्स. और ये कहाँ कहाँ मौजूद होती है? रूट्स की भी टिप्स में मौजूद होती है. और इसी तरह जो शूट है, ये जो स्टेम है, इसकी भी टिप एरिया में बड्स मौजूद होते हैं. यहाँ यहाँ भी बड्स होते हैं जहां जहां से नई ब्रांचेस निकल रही होती है. ठीक हो गया. सो द टुडेज क्वेश्चन इज अबाउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. राइट डाउन देयर फंक्शंस. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ. I'm done. We're done. Okay. और आप कहां से इसका लोगे आंसर? फ्रॉम वेयर यू विल मार्क द आंसर? मैम स्टार्टिंग कैन आई टेल? यस बताइए बताइए. कैन आई टेल? आंसर लेंगे मिस ऑर्गेनिज्म से लेकर मिस इसके बाद में बर्ड तक आएंगे, रूट्स एंड शूट्स तक. वेरी गुड, दिस इज अ फुल पैराग्राफ. आई हैव मार्क्ड ओवर हियर. मैम आई हैव टू मैंने बताना था. चलो खोला कोई बात नहीं, खोला. आप नेक्स्ट क्वेश्चन खोला ही बताएंगी. ठीक है, अच्छी नहीं लगती साइंस. अच्छा मैम, मुझे ना साइंस अच्छी लगती है, मेरी साइंस अच्छी भी नहीं है. नहीं नहीं, आप वो अभी बेसिकली हम इस तरह से कर रहे हैं ना, अभी हम पढ़ रहे हैं, इसलिए व्हेन वी विल गो टू क्लास तो इंशाल्लाह आई प्रॉमिस यू आपको साइंस अच्छी लगना शुरू हो जाएगी. फौला देखिएगा जब हम स्टार्ट करेंगे, फेस टू फेस जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. अभी चूंकि बस ऑनलाइन चल रहा है ना, तो वी आर ट्राइंग टू स्टडी. हम कोशिश कर रहे हैं स्टडी करने की, प्रॉपर स्टडीज तो इंशाल्लाह ताला. वैसे तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है जब हम क्लास में बैठ के काम करते हैं ज्यादा अच्छा होता है. जी मिस, ये हम लोग ये वाला चैप्टर मिस इतनी पुरानी क्लासेस से शुरू करते हुए आए हैं मिस. ये किसी बस ये सिक्स क्लास में नहीं था, बाकी हर क्लासेस में आया है. ओके, प्लांट्स से रिलेटेड? नो मिस, यही मतलब यही फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट्स से जितने भी सिस्टम्स हैं, वी विल स्टडी ऑल अबाउट द सिस्टम्स ऑफ प्लांट्स इन दिस चैप्टर. ओके, हु इज आस्किंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन? दिस इज अ क्वेश्चन एंड आंसर इज फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग लाइन टू टिल द एंड, शूट्स तक. हैव यू मार्क्ड ऑल ऑफ यू? सब ने मार्क मिस? यस
Okay, move on to the next question. जी, the next question is explain the different types of plant tissues. अब हम देखेंगे internal. अभी तो आपने पीछे तो अभी आपने just ऊपर ऊपर से देखा था ना plant को. You see the plant superficially, but now you will study internal parts of the plant. के अंदर से plant को अगर हम देखें तो वो कैसा होगा? Clear? जी खोला. This is a question and you read the paragraph. Plant tissues and organs. Plant tissues and organs. Plant are multicellular and are made up of different type of cells. Cells that do the same job group together to make tissues. Cells that contains chloroplast, for example, make photosynthetic tissue whose job is to carry out photosynthesis. Leaves have lot of photosynthetic tissues. Other examples of plant tissues include xylem tissue, which carries water and minerals from the root to the leaf. Protective tissue, which covers the surface of root, stems, leaves, and it is a thin, transparent skin that protects the plant from damage or infection. Phloem tissue, which carries food from the leaf to other parts of plant. Okay, students, in the very first line, just mark this heading. This is very important. What is a tissue? आपको स्टार्ट में बताया कि प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर. मल्टी मींस मल्टी का क्या मतलब होता है गर्ल्स? मल्टी मींस टू और मोर या मेनी. ठीक हो गया, बहुत सारे. मल्टी सेलुलर मींस कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है और वो सेल्स विच हैव द सेम फंक्शन and same structure are known as tissues. This is a definition of tissue. Isko mark kar lijiye. It could be given as a short question. Okay, what is a tissue? Cells that contain chloroplast. Yes. Yes, Haika. Ma'am, can I tell the answer? Achha, pehle mujhe explain to kar lijiye. Haika to hai nahi. Sorry, Khola ki baat kar rahi. मैं बता रही हूँ आपको कि आप आंसर मार्क करने से पहले इसको थोड़ा समझ लें, उसके बाद आंसर मार्क कीजिएगा. या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ फिर, अगर आपको आता है ऑलरेडी तो. जी बताइए खोला, बताएं आंसर बता दें, देन आई विल एक्सप्लेन द टर्म्स. बताइए कहाँ से कहाँ तक लिखना है? मैम इसका आएगा मैम पहले आएगा प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर एंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. उसके बाद आएगा सेल दैट डू द सेम जॉब टुगेदर टू मेक टिश्यूज. पर आएगा सेल दैट कंटेन्स क्लोर. नहीं मैम ये नहीं आएगा. पर क्या आएगा? आएगा उसके बाद सारी ये आएगा मैम आएगा. उसके बाद ना यहाँ ये जो छोटी छोटी लिखे हैं लीव्स हैव लॉट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज प्रोटेक्टिव टिश्यू. ये सारे टिश्यूज के वो ना है साथ आएंगे. जी बिल्कुल, मैं डायग्राम भी बनाएंगे. दिस फुल पेज इज इंक्लूडेड. दिस ऑल पेज इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम साइड बाय साइड. जैसे कि जाइलम की जब आप हेडिंग दोगे तो जाइलम की डिटेल दोगे. जाइलम आर दोस टिश्यूज व्हिच कैरी वाटर फ्रॉम द रूट्स टुवर्ड्स द अपर पोर्शन. ठीक है, जाइलम कौन से टिश्यूज होते हैं गर्ल्स? जो कि जमीन से पानी को एब्जॉर्ब, जो रूट्स एब्जॉर्ब करती है ना पानी को, तो ये पानी को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं. ऐसे जैसे घर में आपके मोटर लगी हुई होती है. मोटर क्या काम करती है घर का गर्ल्स? मोटर लगी पानी लेके ऊपर जाती है टैंकी में, है ना? मतलब मोटर का काम क्या है कि वो पाइप्स में पानी को प्रेशराइज करती है, पानी को पाइप्स में कि वो ऊपर की तरफ जाए. तो जाइलम का क्या काम है कि ये वाटर को सक करता है और ऊपर की तरफ प्रेशराइज करता है ताकि प्लांट्स का पानी ऊपर तक चला जाए. क्लियर? तो दिस इज अ जाइलम टिश्यू. फ्लोएम टिश्यूज का क्या काम है? फ्लोएम टिश्यूज जो फूड बनती है ना लीव्स में, फिर उस टिश्यूज को ये जो फ्लोएम टिश्यूज हैं ये तमाम पार्ट्स में डिलीवर करने का काम करते हैं. जैसे डिलीवरी बॉयज होते हैं, आजकल होते हैं डिलीवरी बॉयज, फूड पांडा के होते हैं डिलीवरी बॉयज. यस, तो उसी तरह से जो they are basically delivery cells. They deliver food to all parts of the plant. बनाते नहीं है food को ये. ये मत confuse होइएगा. ये food बनाने का काम ये नहीं करते. Food कहाँ बनती है? Leaves के अंदर. ठीक है? लेकिन ये बनी हुई food को just पकड़ते हैं और उसको deliver कर देते हैं to the other parts of the plant. जहाँ जहाँ food
नहीं पहुंची भी वहां पहुंचा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक प्रोटेक्टिव टिश्यूज भी नजर आ रहे हैं प्लांट्स के ऊपर ऊपर, आपको ये देखो दीज आर द प्रोटेक्टिव, जो बाहर की लेयर होती है दिस इज नोन एज प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे कि हमारी बॉडी के ऊपर भी स्किन है ना, जिसने हमारे अंदर के हिस्सों को प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो प्लांट्स के अंदर भी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं ताकि प्लांट को डैमेज ना हो सके। ठीक हो गया, तो दिस फुल फुल पेज इज इंक्लूडेड इन दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया गर्ल्स? यस ओके ओके, स्टार्ट राइटिंग हरी। आप पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन आप शुरू कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया। हाँ जी जी मुझे पता है, आई नो जब आप सब बिल्कुल चुप किए होते हैं ना, इसका समझ नहीं, मतलब कि यू आर बिजी इन राइटिंग, मुझे समझ आ रही होती है, भी सुन भी रहे थे हम आपको। ओके आप लिख लो, देन आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस दीज टू क्वेश्चंस। I'm 20 minutes and class over होने में। Yes, आप इसको complete करें ना, then we will discuss some points. Ma'am, when I will send you this work, I will send my previous work also. Okay. Miss? Okay, जी बेटा। Miss ये xylem के आगे, Miss ये xylem के आगे जो लिखा हुआ, Miss उसकी heading क्या देंगे हम? Xylem के आगे क्या लिखा हुआ? कहाँ पे? ये जैसे कि मैंने बुक पेज, अब आपको नजर आ रहा होगा, यू सी द पेज ऑन द xylem टिश्यूज व्हिच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, यही है ना सारा। xylem की हेडिंग दोगे ना फर्स्ट, देन यू विल राइट दिस। नहीं मिस, मिस ये तो, मिस ये तो पता है, मिस जो इसके आगे लिखा है प्रोटेक्टिव टिश्यूज, प्रोटेक्टिव टिश्यूज व्हिच कवर द सर्फेस, protective tissues, this is the heading, just okay. और मिस leaves की भी देंगे क्या? leaves leaves have lots of, no no, इसकी heading है photosynthetic tissues। ओहो मैं आगे चली गई हूँ, just wait, इसको मैं mark कर देती हूँ। ये देखिए इसकी हेडिंग है प्रोटेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। xylem टिश्यूज इज हेडिंग, प्रोटेक्टिव टिश्यूज इज हेडिंग, दिस इज नंबर वन हेडिंग ना, नहीं नंबर वन हेडिंग गर्ल्स, नंबर वन हेडिंग तो आपकी आएगी फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, मैं आपको बता देती हूँ। मेस अगर दिस इज नंबर वन, अगर हम यस, this is number 2, this is number 3, xylem tissues, protective tissues is the number 4, and phloem tissues is the number 5. clear girls? miss jo iske hum heading denge, miss leaves have lots of photosynthetic tissues likhenge, to miss agar hum uske heading de denge to ye bhi likhna padega hame niche wala, कौन सा नीचे और क्या है, अदर एग्जांपल्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। हाँ बेटा आप यू गिव द हेडिंग ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू और उसके नीचे ये पूरी लाइन लिख दो, लीव्स हैव अ लॉट्स ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, बस, और ये डायग्राम ड्रा हो जाएगी सर, हेडिंग ये आएगी दिस वन। क्लियर हुआ है किरण की नहीं अभी भी? यस मिस, यस हो गया। How many of you have done the work? I. Okay, Aisha, beta, I will start from you for asking questions. Ma'am, आप quiz ले रही हैं? जो पढ़ाया, बेटा जो पढ़ाया होता है उसको जरा एक दफा करना होता है ना? Okay, ma'am. Okay, Aisha. Name the different parts of a plant. Yes, Aisha. Stem. 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 Leaves. Stem. How many parts? Total. How many parts? Total. Four.
four or five? Five cards. Five. Okay. Okay, hijab, what is the function of a root? और ये होती कहाँ है प्लांट में? Where it is located? I'm gonna tell. Please. Just wait, beta. Let her answer. मैम उसका माइक म्यूट है. ओके, मैं उसको कहती हूँ अपना माइक अनम्यूट करें. वाइश, उन्होंने तो रेडी की थी, उनका माइक क्यों अनम्यूट? हम उसका अभी करते हैं. जी, हो गया. अब उसका फिर म्यूट हो गया. मैं तो कर रही हूँ. फिर हो गया, अब सही है. चले जी, जाओ. ठीक है. ओके, व्हाट आर यू उठा करो. हिजाब, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स? सर, मैम, दे टेक प्लेस इन ऑफ प्लांट अंडर द ग्राउंड. मैम, कैन आई टेल प्लीज? यस, समन. हिजाब, मैम, लिसन केयरफुली. मैम, रूट्स आर अंडर द सॉइल और एंड मैम ये काम करते हैं पानी को ऊपर ले जाने के लिए. एक्साइलम, दे एब्जॉर्ब द वाटर. एक तो ये काम करते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम टू द प्लांट. ओके, सेकंडली दूसरा काम क्या है? दे होल्ड द प्लांट इन द प्लेस. दे होल्ड द प्लांट इन, अपनी जगह पे प्लांट को खड़े रखते हैं, ठीक है, संभाले रखते हैं. और इसको आप ये भी कह सकते हैं, दे एंकर द प्लांट इन द सॉइल. एंकर का भी मतलब यही होता है कि ये प्लांट को जमीन में गाड़े रखते हैं. ओके, खोला, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू. व्हाई वी कॉल द लीव्स अ फूड, व्हाई वी कॉल द लीव्स अ फूड फैक्ट्री? मैम, बिकॉज दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, सो वी कॉल द लीव्स एज अ food factory. Okay. Yes. Okay, and what type of जी ये कहाँ लिखा है? वैसे कहीं पे भी नहीं लिखा. ये तो मैंने लेक्चर में आपको बताया था, इसलिए मैंने पूछा और इसलिए कहा, इसलिए पूछा कि मैं चेक करूं कि आपने लेक्चर सुना था या नहीं सुना था. इट कुड बी गिवन एज अ क्वेश्चन. ऐसी बात नहीं है कि जरूरी नहीं होता बेटा. आप ग्रेड सेवन में इट्स नॉट कंपल्सरी के जो पढ़ा है वो ही आ जाएगा. थोड़ा सा लेक्चर वाइज भी, लेक्चर बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, ओके. किरण, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फ्लावर? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन अ प्लांट? भी मैं बता सकती हूँ अगर ना आए तो. जी किरण, फंक्शन जी बताइए, क्या फंक्शन है? फ्लावर क्यों लगे हुए होते हैं? क्या फायदा है फ्लावर्स का प्लांट को? देखो ना, अल्लाह ताला ने हर चीज का कोई मकसद बनाया है. मैम, कैन आई टेल? कैन आई टेल? जी बताइए समन. मैम, दो बता दूं बस. बताइए, जितने भी हैं बताइए. मैम, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड and it can work and mam ye pollination bhi karta hai. Yes, mujhe sunlight. Mam, flowers food bhi banate hain aur unse pollination bhi hoti hai. Beta, yahan pe aap thoda sa misconception hai aapko. Flowers are not making food. Food are made by the leaves only. Flowers ka kaam kya hai? They are very colorful and they have beautiful and mam pretty smell. Mam, very good smell. वो बंदों को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, होते हैं फ्लावर्स. वो बंदों को अट्रैक्ट करते हैं कि बंदों ने तोड़े. ये तो हमें, हमारे लिए तो जस्ट एक वो ब्यूटी के लिए है ना. बट इंसेक्ट्स जो हैं वो इनसे अट्रैक्ट होते हैं, इन पर जाकर बैठ जाते हैं. पॉलिनेशन तो ठीक था ना? यस यस, वो ठीक था. क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दे आर वेरी हेल्पफुल. और इस तरह क्या होता है, आपको पता है, प्लांट्स खुद तो मूव कर नहीं सकते, तो इनके जो ऊपर पॉलन्स होते हैं ना, वो ट्रांसफर करने के लिए विंड या फिर इंसेक्ट करते हैं. जी, इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं या हवा के थ्रू पॉलन ग्रेन्स इधर उधर स्प्रेड होते हैं. तो पॉलन ग्रेन की स्प्रेडिंग के लिए, यानी के क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, दे आर वेरी हेल्पफुल टू द प्लांट. ठीक है, क्योंकि इतने प्यारे होते हैं कि इन पर इंसेक्ट्स आके बैठ जाते हैं. जब बैठते हैं तो इनके
विंग्स के साथ पॉलन्स अटैच हो जाते हैं, और वही इंसेक्ट जब किसी और प्लांट के ऊपर जाके बैठेगा तो ये इनके पॉलन्स उस दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर हो जाते हैं. ओके जी स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Whether plants are multicellular or unicellular mostly? Who will tell me? Plants are multicellular or unicellular? Multicellular. Okay. And what about tissue? Can you define a tissue, Aisha? Yes, ma'am. G. What is a tissue? Tissue and cells that pop together to make a tissue. Yes, tissues are basically same type of cells which work together and work the same function. Unka kaam bhi same hota hai, theek hai? Aur wo ikatthe milke reh rahe hote hain. They group together to make a tissue. Theek ho gaya? Jaise ki aap iski example yahan par different examples di gayi hain. First example is of फोटोसिंथेटिक टिश्यूज की है जो कि लीव्स में पाए जाते हैं. फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, और उनका नाम अभी तो आपकी बुक में नहीं दी क्या दिया गया. मेसोफिल सेल्स होते हैं बेसिकली ना, विच आर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज. नेक्स्ट जाइलम टिश्यूज. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यूज किरण? बता दूं जी, बताइए किरण. जाइलम टिश्यूज कैरीज वाटर एंड मिनरल्स. मेज मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं. वाटर के साथ मिनरल्स भी होते हैं. होला, व्हाट अबाउट मिनरल्स? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मिनरल्स? मिनरल्स का क्या मतलब? मिनरल्स मैम जैसे मिनरल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल हम उनको पानी देते हैं जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर, वाटर के अलावा और भी चीजें हैं. बहुत से मिनरल्स उनके फायदे के लिए होते हैं. सॉल्ट बहुत सारे. यस, तो जमीन के अंदर आपको पता है सल्फर होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, और वो भी पानी के साथ साथ पानी में डिजोल्व होके वो भी ऊपर प्लांट में आ जाते हैं. ओके जी हिजाब, what are phloem tissues? What they do in the plant? क्या काम है इनका? मैम किसको कौन से tissues? Carry food from the leaves. Very good. They carry food from the leaves to the other parts of a plant. जैसे कि आपको मैंने बताया था flowers food नहीं prepare करते, लेकिन उन्हें food तो चाहिए ना, उन्हें खुराक तो चाहिए जिंदा रहने के लिए. So phloem tissues लीव्स में से फूड लेकर उसको कहाँ पे ले जाते हैं? फ्लावर्स तक ले जाते हैं, सो दैट दे कैन ग्रो वेल. इसी तरह से फ्लोएम टिश्यूज फूड को लेकर रूट्स में भी जाते हैं. रूट्स तो फूड ना प्रिपेयर करती हैं, तो ये जरूरी नहीं ऊपर की तरफ जाएं, ये नीचे की तरफ भी जाते हैं. फ्लोएम टिश्यूज मतलब कि हर तरफ फैल जाते हैं, ऊपर भी, नीचे भी, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे. सो फ्लोएम टिश्यूज कैरी फूड फ्रॉम द लीव्स एंड डिलीवर टू द ऑल दोस पार्ट्स ऑफ द प्लांट where there is shortage of food. ठीक हो गया? Okay, what are protective tissues, Aisha? What are protective tissues? Ma'am, can I tell? Just means protective. Ma'am, can I tell, please, ma'am. Saman, beta, don't make noise, Saman, beta. Just wait. Protects the plant from damage or any infection, and it also protects the roots. Very good. Protective tissues are the covering on the plant. एक covering over भी है. अल्लाह ताला ने plants के ऊपर एक waxy layer चढ़ाई भी है ताकि बहुत ज्यादा पानी भी ना इसमें से निकल सके, और अगर कोई चीज इस पर हिट करे या तेज हवा लगे या sunlight तेजी से इस पर पड़े तो वो एकदम से उसको इफेक्ट ना करे इंटरनल सेल्स को. आपको पता है इंटरनल सेल्स आर वेरी डेलीकेट एज कम्पेयर टू द अपर साइड. आपकी भी बॉडी, अपनी बॉडी को भी आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी की जो स्किन है इट इज अ लिटिल बिट हार्ड एज कम्पेयर टू द इंटरनल ऑर्गन्स. जैसे ही कोई कट लगता है तो आप कभी अंदर वाली पार्ट्स देखो ना अपने, दे आर वेरी डेलिकेट और उनमें ब्लड होता है. जी मैम वो शॉर्ट से होते हैं ना. जी,
तो इसलिए उनको बचाने के लिए, डेलिकेट पार्ट्स को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर रख दी गई है, ताकि प्लांट्स, ये देखो ना अंदर वाले सेल्स आप देख भी सकते हो, दे आर डेलिकेट लाइट कलर्स, डेलिकेट, वाइल द आउटर मोस्ट लेयर इज हार्ड, इसकी स्किन जो है वो सख्त होती है. ओके स्टूडेंट्स, मैं सच कहूं मुझे ये पहले बेड लग रहा था. हाँ, बेड लाइक ही है, बट इट इज लग रहा था, इट इज बेसिकली अ सेक्शन, एक सेक्शन काटा हुआ. दीज आर सेल्स ऑफ अ प्लांट. अच्छा, यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, कैन यू आंसर देम? ये जो लेक्चर आपने किया उन्हीं से रिलेटेड है. हॉलो, फर्स्ट यू गिव द फर्स्ट आंसर. लिस्ट टू जॉब्स कैरीड आउट बाय द मैम. रूट्स, वन मिनट मैम. Roots help us carry water when plant needs it. And roots help us carry minerals. इसके अलावा एक और काम भी करती हैं roots. They help the plant to stay erect. Take to the ground. Yes, to stay in the ground. Ground में खड़ा रहने में भी help करती हैं ना roots. कितनी नीचे से सख्ती से रूट्स ने प्लांट को कंट्रोल किया होता है. कभी अगर आप किसी प्लांट को खेड़ना चाहें तो बहुत आपको जोर लगाना पड़ता है ना. Yes. Okay, someone you give the question. Answer of question number two. Okay. In many plants, leaves and flowers are held above the ground. So that's the reason for this. Leaves and flowers are held above the ground by the stem. Stem, it's not stem. 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 Stem, sorry. Suggest a reason. मैम ये इसलिए होता है. मैम क्योंकि इसमें ग्रोथ जो होती है मैम वो टिप्स, रूट्स की टिप्स तक और फिर शूट्स तक भी जाती है और लीव्स और फ्लावर्स को भी देती है. वो बस आपको ये कह रहे हैं कि प्लांट का बहुत सा हिस्सा जमीन के बाहर होता है ना. तो वो पूछ रहे हैं कि जमीन के बाहर क्यों होता है. जाहिर बात है सारा प्लांट अगर जमीन के अंदर ही ग्रो करेगा तो आपको क्या मिलेगा, आप उसको खाओगे कैसे, क्योंकि हम प्लांट से ही तो फूड लेते हैं, है ना. तो फॉर ऑल इजीनेस अल्लाह ताला ने सारे प्लांट्स का सारा हिस्सा जमीन के अंदर नहीं रखा, बहुत सारा पार्ट ऊपर है, एरियल पार्ट, एंड द रेस्ट जस्ट रूट वाला एरिया जो है वो जमीन के अंदर. ओके, हु विल गिव द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर? कैन आई मैम? आई विल मैम. कैन आई मिस? मेरे देती है मिस, मेरे देती है मिस. मैंने नहीं दी है. किरण, किरण, किरण विल गिव आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. मिस नंबर 2 इक्वल क्रोपोसेल बट टू द मिस सेल्स मिस सेल डू द सेम मिस Yes, cells that do the same job group together to make tissues. Miss wo miss cells jo hote hain miss cells that do the same job, they are called tissues. Very good, tissues is the right answer. Yes ma'am, can I tell the next answer please? Bahut easy iska answer tha. Yahan pe aap ma'am can I दिस इज जाइलम. गर्ल्स बेटा लिसन केयरफुली, दिस इज जाइलम नॉट एक्साइलम. क्या नाम है इसका? रीड लाउडली ऑल ऑफ यू. जाइलम, जाइलम, जाइलम. बहुत से बच्चे से एक्साइलम पढ़ते हैं. दिस इज नॉट एक्साइलम, जाइलम, जी से जाइलम, ठीक है. एंड व्हाट इज इट्स नेम? फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम, जी. ओके, लास्ट क्वेश्चन. यस, व्हाट आर बड्स? बड्स आर वेयर द ग्रोथ स्टार्ट्स. ग्रोथ टेक प्लेस एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स. बिल्कुल, जहां जहां बड होगी ना प्लांट में वहां से नया जो है ना वो ब्रांच निकल आएगी. तो बड्स जो है वो आर द ग्रोथ एरियाज. तो बड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई टेल? जी, व्हाट डज ग्रोथ टेक प्लेस इन प्लांट? वेयर डज ग्रोथ टेक प्लेस इन प्लांट? ये इसी का ही आंसर होगा. ग्रोथ टेक प्लेस इन बड्स.
Yes, ये तो same five और six almost same answers हैं. Parts, parts are there. ये अक्सर अपने घरों में माली लगे हुए होते हैं. तो specially वो bud areas उतारते हैं plant में से और उसको कहीं पे ज़मीन में दबा देते हैं. तो उस bud से ना नया plant निकल आता है. तो bud is the area where growth starts. ठीक हो गया girls? How much time is left? कितना time बच गया है? Period over होने में? 21 हो गए हैं.